फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश नाइक और आज हम यूनिवर्सल टूरिंग मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल टूरिंग मशीन को सीखने से पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होता है। अगर कोई एक बाइनरी सेट ऑफ स्ट्रिंग दिया है जो कि हम टूरिंग मशीन में मॉडल करना चाहते हैं, हम इसको एक पेयर M और W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि M जो है टूरिंग मशीन है और W एक बाइनरी स्ट्रिंग है। तो ये जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा इसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। A एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि M और W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। M जो है टूरिंग मशीन है और ये स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट करता है। तो हम ये कहेंगे कि जो लैंग्वेज A है वो टूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। हम इसको टूरिंग रिकॉग्नाइजेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि टूरिंग मशीन ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके होल्ड कर सकता है या फिर रिजेक्ट करके होल्ड कर सकता है या फिर ये एक इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। तो यूनिवर्सल टूरिंग मशीन को सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक डिस्क्रिप्शन टूरिंग मशीन का और एक इनपुट अगर हम देते हैं तो क्या ये मशीन ये दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो यहां से आता है टूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारे पास एक टूरिंग मशीन है जो कि स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मशीन M को और स्ट्रिंग W को हम टूरिंग मशीन में पास करते हैं और टूरिंग मशीन क्या कर सकता है? टूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट या होल्ड कर सकता है या फिर रिजेक्ट और होल्ड कर सकता है या फिर ये एक इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। हम कहते हैं कि यूनिवर्सल टूरिंग मशीन की तरह ही काम करेगा। अगर हमारे पास टूरिंग मशीन M है जो कि स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट करता है तो यूनिवर्सल टूरिंग मशीन जो मैं एल्गोरिदम देंगे वो भी एक्सेप्ट और होल्ड करना चाहिए। सिमिलरली अगर मशीन स्ट्रिंग W को रिजेक्ट करता है तो ये एल्गोरिदम भी रिजेक्ट और होल्ड स्टेट में आना चाहिए। और अगर मशीन M स्ट्रिंग W को जब एक्सेप्ट करने का कोशिश करता है ये लूप में चला जाता है, ये यूनिवर्सल टूरिंग मशीन भी लूप में चला जाना चाहिए, ये होल्ड नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हम यूनिवर्सल टूरिंग मशीन के लिए क्या इनपुट दे रहे हैं? टूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन और एक बाइनरी स्ट्रिंग। और उस पर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि टूरिंग मशीन को हम सिमुलेट कर रहे हैं जो कि ये गिवन टूरिंग मशीन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल टूरिंग मशीन एक कंप्यूटर की तरह है और टूरिंग मशीन एक प्रोग्राम की तरह है? देखिए कैसे कि जब हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं ये एक आउटपुट देता है, लेकिन ये प्रोग्राम अपने आप आउटपुट नहीं देता है। ये प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर ये प्रोग्राम को सिमुलेट करता है और कंप्यूटर आउटपुट देता है। बेसिकली ये आउटपुट है प्रोग्राम का लेकिन हमको मिलता है कंप्यूटर से। तो क्या हम कंप्यूटर और यूनिवर्सल टूरिंग मशीन को सेम मान लें? नहीं, क्योंकि टूरिंग मशीन में एक इनफाइनाइट टेप होता है जो कि कंप्यूटर में नहीं होता। और मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी कंप्यूटर में इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होता है। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल टूरिंग मशीन कंप्यूटर के समान नहीं है। बेसिकली यूनिवर्सल टूरिंग मशीन जो एक रिकॉग्नाइजर है वो एक डिसाइडर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल टूरिंग मशीन एक एनकोडिंग लेता है टूरिंग मशीन के और उसके साथ साथ इनपुट भी लेता है और ये टूरिंग मशीन की तरह बिहेव करता है ये इनपुट डेटा के ऊपर। अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिकेशन लेते हैं टूरिंग मशीन का क्यू सिग्मा टाउ क्यू नॉट ब्लैंक फाइनल स्टेट और ट्रांजिशन, मान लीजिए इस तरह से क्यू जो है जो फाइनाइट स्टेट्स है ए बी सी डी है, क्यू नॉट द स्टार्टिंग स्टेट ए है, सिग्मा और डेल्टा मतलब जब इनपुट सिंबल और टेप सिंबल्स दोनों में जीरो वन है,
और फाइनल स्टेट जो है बी और डी है, और ट्रांजिशन चलिए इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं, डॉलर ए बी सी डी, फिर डॉलर जीरो वन ये सिग्मा के लिए, फिर डॉलर जीरो वन ये टाओ के लिए, फिर ए जो है स्टार्टिंग सिंबल, बी डी जो है फाइनल स्टेट, इस तरह से। और यहां पर जो डॉलर यूज किए हैं वो एक डेलिमिटर की तरह यूज किए हैं, एक सेपरेटर की तरह यूज किए हैं। तो बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल इनपुट डेटा जो है हम टूरिंग मशीन को इनपुट की तरह देते हैं, और ये स्पेसिफिकेशन को हम बाइनरी में एनकोड करके असाइन करेंगे। देखिए कैसा, मान लीजिए डॉलर है, इसको 0000 से एनकोड कर दिए, ए को 0001, बी को 0010, सी को 0011, डी को 0100, फिर इनपुट सिंबल 0 जो है 0101, इनपुट सिंबल 1 को 0110, और टेप मूवमेंट लेफ्ट और राइट को 0111 और 1000 से एनकोड कर दिए। तो हमारे जो स्पेसिफिकेशन पहले था डॉलर, इसका मतलब 0000, एक डॉट दिए हैं, फिर ए बी सी डी था, इसी हिसाब से हम इसको बाइनरी में हम एनकोड कर सकते हैं। तो ये बन गया एक इनपुट जो यूनिवर्सल टूरिंग मशीन में हम देते हैं। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्शन हम क्या करने वाले हैं यूनिवर्सल टूरिंग मशीन में, इनिशियली हम यूनिवर्सल टूरिंग मशीन का स्टार्टिंग सिंबल जो है क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं। पहले इनपुट देते हैं टूरिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन को, इसको हम पहले लोड कर लेते हैं, फिर हम जाके जो ट्रांजिशन है इन सबको अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसमें हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं और इसको फिर हम स्टोर कर लेते हैं, और इसी स्टेप्स को हम नेक्स्ट इनपुट के लिए फिर से हम रिपीट करेंगे। तो चलिए इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, पहले हम इंस्ट्रक्शन को लोड करेंगे, उसको डीकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लोड करेंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्सल टूरिंग मशीन जो है काम करता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल टूरिंग मशीन क्या होता है। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में टूरिंग मशीन का और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।